फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। दाल हम सभी खाते हैं, डेली खाते हैं, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है ये। पर क्या आप उन दालों के इंग्लिश में नेम्स जानते हैं? पहले तो यही बताइए कि दाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दालों को इंग्लिश में कहते हैं पल्सेस, PULSES, पल्सेस। तो आज के वीडियो में हम जो डेली यूज करते हैं दाल, उसके नेम्स इंग्लिश में जानेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि अब नेक्स्ट टाइम से आपको भी दालों के इंग्लिश में नेम्स पता हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। अरहर की दाल या जिसे तुअर दाल भी बोलते हैं, इसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं विजेट पीस, विजेट पीस। इसी तरह से काले चने को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक चिक पीस, ब्लैक चिक पीस। और चने की जो दाल होती है उसको कहा जाता है चिकपी स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट, चिकपी स्प्लिट। साबुत मूंग, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ग्राम। और इसी तरह से जो मूंग की दाल होती है उसे कहा जाता है स्प्लिट ग्रीन ग्राम। ये दोनों क्लियर हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट दाल की तरफ, पल्स की तरफ, जो हम रेगुलरली खाते हैं, वो है मसूर। जो पूरा मसूर होता है उसे हम कहते हैं लेंटिल, और जो मसूर की दाल होती है उसे हम कहते हैं रेड लेंटिल। काली दाल, जिसे हम साबुत उड़द भी बोलते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक ग्राम या ब्लैक लेंटिल। इसी तरह से उड़द की दाल जो होती है, जिसके ऊपर काले रंग का छिलका होता है, उसे हम बोलते हैं स्प्लिट ब्लैक ग्राम। और जो धुली उड़द दाल होती है, जिसके ऊपर से छिलका हटा दिया जाता है, उसे कहा जाता है व्हाइट लेंटिल्स, व्हाइट लेंटिल्स। व्हाइट लेंटिल्स किसे कहते हैं? उड़द की जो धुली दाल होती है उसे। कुल्थी दाल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हॉर्स ग्राम। इसी तरह से जो काबुली चना होता है, जिसे हम छोले के नाम से भी जानते हैं, उसे कहा जाता है चिकपी। और जो सफेद मटर होती है, मटर की दाल, उसे कहा जाता है व्हाइट पीस। राजमा को किडनी बीन्स कहा जाता है। और जो लोबिया होता है उसको आप इंग्लिश में काउबी या ब्लैक आइड पीस, ये दोनों ही कह सकते हैं। जो लास्ट के दाल है जो आज हम जानने वाले हैं, वो है सोयाबीन। और सोयाबीन को इंग्लिश में सोयाबीन ही कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखे 15 पल्सेस के नेम इंग्लिश में, दालों के नाम इंग्लिश में। इसके अलावा भी बहुत से दालें हैं, तो आप जिन दालों के नाम इंग्लिश में जानते हैं और जिनको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, उनके नेम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।